सेक्स करना प्राइवेट है लेकिन सेक्स की बात करना नहीं। क्यों हमारे समाज में अधिकतर लोग इस पर बात करने से कतराते हैं? अगर सेक्स करना गलत नहीं है तो इस पर बात करना कैसे गलत माना जा सकता है? हेल्दी सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए इस पर बात करना बहुत जरूरी है। अगर हम बात करें लस्ट स्टोरी 2 वेब सीरीज की, जो खूब चर्चा में है, कुछ हफ्तों पहले ही OTT पर रिलीज हुई इस वेब सीरीज में दादी का किरदार निभा रही नीना गुप्ता के रोल को यूथ ने बहुत पसंद किया है। एक सीन में वह अपनी पोती और उसकी होने वाले हस्बैंड को समझाती है कि बहुत सी चीजें तुम्हें दूर खींचेगी, पर अगर सेक्स बेस्ट होगा तो तुम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। वेब सीरीज के जरिए बताया गया है कि दादी इस उम्र में भी कितनी ब्रॉड माइंडेड है। हमारे समाज में ज्यादातर लोगों की सोच है कि पति पत्नी को उनके बच्चे जोड़े रखते हैं, लेकिन हेल्दी सेक्सुअल रिलेशनशिप उनके रिश्तों को बनाए रखता है। ज्यादातर महिलाओं के लिए सेक्सुअल हेल्थ का एक बड़ा मुद्दा है, जिस पर वह खुद बात करने से पीछे हटती है। हमें हर टॉपिक पर बात करने का अधिकार है। लोग आज भी सेक्सुअल रिलेशनशिप पर खुलकर बात नहीं करते हैं। हमें सेक्सुअल रिलेशनशिप पर खुलकर बात करनी चाहिए।